हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज इस वीडियो में हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे। ये मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे हम। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप आने वाले समय में 1-2 महीने में आपके सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट ये सभी एग्ज़ाम आने वाले भविष्य में होने वाले हैं। अभी नज़दीक ही इनकी डेट लग चुकी है, तो किसी भी इनमें से किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञानिकों ने विकास के दृष्टिकोण से गर्भावस्था जो अवस्था होती है और जो पूरा जीवन काल होता है उस तक पूरा जीवन काल होता है विकास को 10 भागों में मुख्यतः बांटा है। तो 10 अवस्थाएं होती हैं विकास की, इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। देखिए पहला हमारा है पूर्व प्रसूति काल। ये होती है हमारी अवस्था गर्भधारण से प्रारंभ होकर जन्म तक ये पूर्व प्रसूति काल अवस्था चलती है। ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की पहली अवस्था है पूर्व प्रसूति काल, जन्म तक चलती है गर्भावधारण से लेकर। और अगली अवस्था है हमारी शेषावस्था, दूसरी अवस्था। शेषावस्था क्या होती है, इसको इन्फेंसी पीरियड भी बोलते हैं। ये है हमारी जन्म से लेकर प्रथम 10 से 14 दिन तक होती है, जन्म से लेकर 10 से 14 दिन तक होती है। और आगे है तीसरी अवस्था बचपनावस्था, ये होती है हमारी 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 साल तक चलती है बचपना अवस्था हमारी। और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कई कहते हैं कि ये आपकी जो ये शिशुावस्था है जन्म से 2 साल तक होती है, ऐसा कई भी मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं। वो क्या करते हैं कि जो बचपनावस्था होती है उसको अलग अवस्था नहीं मानते, इस वजह से शिशुावस्था को जन्म से 2 साल तक बोल देते हैं। ये तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, एक ही मतलब अवस्था मान लेते हैं कई मनोवैज्ञानिक इसको, लेकिन ये तीनों अलग अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। आप यदि क्वेश्चन पेपर में ये आंसर लगाते हैं तो आपका 100% ठीक होगा। आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं बाद में। आगे है चौथी अवस्था बाल्यावस्था। आप जस्ट को सभी को पता होगा कि जिस तरह बाल्यावस्था होती है जो 2 साल से प्रारंभ होकर 10 या 12 साल तक चलती है, लेकिन इसको भी 2 अवस्थाओं में आगे सब पार्ट में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था 2 साल से प्रारंभ होकर 6 साल तक चलती है, 2 साल से प्रारंभ होकर 6 साल तक चलती है। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो क्या है, 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की उम्र तक चलती है। यह अवस्था में जो बालिकाओं में होती है वो 10 साल की उम्र तक होती है और बालकों में 12 वर्ष तक होती है। बालिकाओं में ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है जल्दी कवर कर लेती हैं लड़कियां इस अवस्था को, इस वजह से 6 से 10 के बीच में बालिकाओं में मानी जाती है और लड़कों में 6 से 12 मानी जाती है ये। और आगे है तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था। तरुणावस्था में क्या होता है कि इसको प्यूबर्टी या प्री एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था से पहले आती है ये अवस्था। लड़कियों में यह है 11 से 13 वर्ष तक होती है और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक होती है। और जो छठी अवस्था हमारी प्राक किशोरावस्था, ये क्या होती है कि 13-14 साल की उम्र से प्रारंभ होती है और 17 साल तक चलती है। कई कह देते हैं कि 12 से 18 तक किशोरावस्था होती है, इसको भी 2 सब पार्ट में हम बांट सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 6 नंबर पॉइंट में ये प्रारंभिक किशोरावस्था और प्रवृत्ति किशोरावस्था, तो इसको 2 सब पार्ट में बांटा जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जो भी हम टीचिंग से रिलेटेड वीडियो डालें तो। और आपको जिस तरह प्रारंभिक किशोरावस्था यदि आपसे पूछा जाए तो 13-14 साल की उम्र से लेकर 17 साल तक आपने ऑप्शन लगाना है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास बालकों में अधिकतम होता है, उनके विवेक में उचित और नीचित का ख्याल अधिक नहीं रहता है इस अवस्था में। और जो प्रवृत्ति किशोरावस्था है हमारी, जो हमारी 7वीं अवस्था है प्रवृत्ति किशोरावस्था, आप देख रहे होंगे इसमें प्रवृत्ति किशोरावस्था है 17 साल से प्रारंभ होकर 19 से 20 साल तक चलती है प्रवृत्ति किशोरावस्था। इसमें पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और भविष्य के बारे में तरह तरह की योजनाएं बनाना बच्चा शुरू कर देता है। बालक तथा बालिकाओं में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस अवस्था में बढ़ जाता है। और अगली अवस्था है
प्रारंभिक वयस्कता, वयस्कता क्या होती है कि 21 साल से जो 40 साल तक अवस्था होती है, अर्ली एडल्टहुड। इसमें व्यक्ति शादी करता है, अपना घर परिवार बसाता है, किसी व्यवसाय में लग जाता है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है इस अवस्था में। और आगे है मध्यावस्था। मध्यावस्था मिडिल एज भी बोलते हैं इसको, ये 40 से 60 साल की उम्र तक होती है। इसमें व्यक्ति अपनी पूर्व उपलब्धियों और आकांक्षाओं को काफी सुदृढ़ किया जा सकता है इस अवस्था में। इस अवस्था में मतलब जो व्यक्ति होता है वो अपनी उपलब्धियों को मतलब आगे कंसोलिडेट करता है, मतलब उनको उनके ऊपर काम करता है या उनको समाज में मतलब अपनी उपलब्धियां गिनाता है और सामाजिक का भला करना चाहता है इस उम्र में व्यक्ति। और आखिरी अवस्था है बुढ़ापा या सठिया अवस्था। ये अवस्था 60 साल से लेकर मृत्यु तक चलती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास धीमा होता जाता है व्यक्ति का और सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव कम होता जाता है। तो ये थी 10 अवस्थाएं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।